बिहार की सभी 40 और एनडीए 400 पार एक बार करने वाली है। जो वादा किया है वो वादा पूरा भी, और चेहरे की रौनक का भी जिक्र यहां पर नित्यानंद राय ने कर दिया। आशिफ, बहुत शुक्रिया आपका, ये बातचीत आपने दर्शकों तक पहुंचाई और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को हमने सुना, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से वाराणसी की खबर पर लौटते हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। 10 साल में काशी की तस्वीर बदल गई है, आम लोग भी मानते हैं। काशी अब शानदार सड़कों वाला शहर बन चुका है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की तादाद भी बढ़ी है। इस साल 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं, और काशी में जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आता है वो काशी चाट भंडार का जायका जरूर चखने के लिए पहुंचता है। इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरीन ने चाट भंडार पर मौजूद लोगों से बात की और जाना चुनावों में चल क्या रहा है। हम लोग बनारस के हैं। बनारस के हैं, आप भी बनारस से हैं? बनारस से। डेवलपमेंट की बात की जाए तो कितना बदल गया बनारस? बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। पहले तो लाइट इतना ज्यादा कटता था, अब तो लाइट कटती नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। 2400 घंटे लाइट रहती है। उसके अभी सड़क तो इधर तो चौड़ीकरण तो हो ही रहा है, अभी काम हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, कितना कुछ बन गया भक्तों के लिए, बहुत कुछ जो है कर दिया गया है। और पढ़ाई लिखाई में भी जो एजुकेशन में भी चेंजेस आ ही रहा है धीरे धीरे। रोजगार किस कैसे हैं? रोजगार में सरकार क्या करे, इससे जॉब्स तो निकाल ही रही है सरकार। बाकी लोगों को स्किल सीखेंगे तब ना जॉब मिलेगा अपने आप। मैं इधर डिजिटल मार्केटिंग सीखा हुआ, मेरी जॉब लग गई, मैं जॉब कर रहा हूँ अपना पूरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। आप बनारस से हैं? हाँ, बनारस से। बनारस काफी बदल गया है पिछले 10 सालों से अगर हम कंपेयर करें तो। आप क्योंकि बनारस से हैं और आप बनारस का चप्पा चप्पा जानते हैं, रेलवे, एयरपोर्ट्स, एयरवेज बनने के बाद कितना एक बदलाव आया है बनारस में आपके? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, खासकर कि अगर रेलवे की बात करें तो पहले जितनी यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती थी, अब रेलवे पे काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई मिलती है। हम लोग को ट्रेन ढूंढने में आसानी मिलती है, और खासकर जब से वंदे भारत चढ़ी है तो हम लोग को दूर कहीं भी ट्रैवल करने में बहुत आसानी से ट्रैवल होती है। और बनारस से पहले लाइट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, अब तो लाइट जाती ही नहीं है। अंडरग्राउंड वायरिंग हो गई है, आप उससे कितनी आसानी हो गई आप लोगों को? जी, उससे आसानी तो यहाँ पे हुई है, जितनी ज़्यादा तारे आपको दिखती थी पहले। बनारस को तारों का शहर एक तरह से बोला जाता है, लेकिन अब वो तारों का शहर नहीं रह गया। अब एकदम आराम से आप जाइए, एकदम बनारस का एकदम माहौल उठाइए। माहौल क्या चल रहा है बनारस का? माहौल तो बस मोदी मोदी जी का चल रहा है, वापिस से मोदी जी को लाना है, फिर से मोदी जी को जिताना है। जी, आप लोग सब कहाँ से हैं? बनारस से। अच्छा, बनारस से ही है। तो बनारस को तो बहुत बारीकी से देखा होगा, कितना विकास हुआ है बनारस का पिछले कुछ सालों में? बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हुआ है। हाँ। और फेमस चाट कॉर्नर पे आपने चाट खाया? हाँ हाँ, अभी खाएंगे, ऑर्डर दिए हैं। अच्छा, ऑर्डर दिया। क्या फेमस है इस चाट में? यहाँ पे मतलब यहाँ पे बटर वगैरह, यहाँ का क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। हाँ। आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, क्लास पे। अच्छा, बाबा के दर्शन तो आप लोग रोज ही करते होंगे लगभग, क्योंकि बनारस से ही है। हाँ, फिर भी करते हैं, मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं लेकिन कभी कभी करते हैं। टूरिज्म बढ़ा है बनारस का पिछले 10 सालों में? बहुत बड़ा है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। आपसे भी बात करेंगे, आप लोग भी सब बनारस से ही हैं? हाँ। अभी स्टूडेंट्स हैं? हाँ। तो ये बताइए, अगर मैं बनारस के डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो कितना बदलाव आया है? 80-90% बदलाव आया, और अभी आने वाले टाइम में आएगा लग रहा है। यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ा है, विदेशी भी अब आने लग गए हैं। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। अभी गुजरात? हाँ। कैसा लग रहा है बनारस आके अब, फर्स्ट टाइम विजिट? बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है, महादेव जी का दर्शन कर ले, बहुत कर लिया दर्शन। हाँ। अच्छा, दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं, शांति से दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हाँ, और सब यही ढूंढ के यहाँ पर आए हैं काशी। अब चाट खाएंगे? हाँ, चाट खाएंगे, टमाटर चाट खाएंगे। टमाटर चाट खाएंगे। आपको पता है टमाटर चाट बनारस का बहुत फेमस है? हाँ, इसीलिए वो मैप में देख के यहाँ ढूंढ के आए हैं। सर, आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात। सब गुजरात से हैं आप लोग? फर्स्ट टाइम विजिट काशी? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा काशी आके? बढ़िया बढ़िया। अच्छा लगा। लग रहा है बदलाव, इम्प्रूवमेंट हुआ? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव। आप लोग कैसे आए? रेल से आए? रेल से आए। तो रेलवे से काशी तक जो आपने दूरी कवर की, उसमें कोई प्रॉब्लम महसूस हुआ आपको? नहीं नहीं। रोड चौड़ीकरण को लेकर के? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत। आप क्या कहेंगे? मैं बिहार से आया हूँ, काशी काफी बदली हुई है पहले से, काफी बेटर आफ्टर मोदी गवर्नमेंट, इस बार वेरी बेटर। लग रहा है बदलाव है काफी। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं भी इनके
साथ बिहार से आई हूँ। आप भी फर्स्ट टाइम आई हैं? फर्स्ट टाइम आई। अच्छा लग रहा है काशी? बहुत अच्छा लग रहा है, वो एक पॉजिटिव वाइब्स फील हो रहे हैं। बिल्कुल, दर्शन हुए महादेव के बहुत अच्छे से, बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप सब लोग भी काशी से ही हैं? नहीं नहीं, हम लोग काशी से नहीं, हम लोग बस इसके नेबरिंग स्टेट बिहार से। बिहार से फर्स्ट टाइम विजिट? सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम बहुत बचपन में हम आए। मैं विजिट की थी एक्चुअली। कब आई थी आप? लास्ट दिसंबर में मैं आई थी। तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन आने वाला है, तो बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी बहुत। क्या लग रहा है यहाँ पर इलेक्शन में, क्या क्या चल रहा है यहाँ, लहर किसकी है? बीजेपी ऑब्वियसली है, क्यों होना चाहिए? होना भी चाहिए, क्योंकि विकास किए हैं वो। पहले जो मंदिर तक लोग अच्छे से नहीं पहुंचा, कॉरिडोर है, गंगा नदी है, चेंजेस आखिर उन्हीं के वजह से आए हैं आफ्टर ऑल। सब लोग कहाँ से हैं? हम आए हैं हैदराबाद से। फर्स्ट टाइम विजिट? नहीं, काशी के हैं। काशी के ही हैं, मगर 15 साल के बाद आ रहे हैं हैदराबाद, बनारस। अच्छा, काशी से ही हैं। तो आप तो काशी को बखूबी जानते हो? बहुत अच्छे से जानते हैं। कितना विकास हुआ? विकास के मामले में देखा जाए तो मतलब ये बनारस पूरा चेंज दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ के लोगों की लाइफ कैसे बदल दी? इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, यहाँ के लोगों का बिजनेस काफी बढ़ा है, जो ये देख रहे हैं। ये 10 साल पहले जब मैं यहाँ पे रहता था, पढ़ता था, तब उस समय ये यहाँ पे इतना भीड़ नहीं रहती थी, आराम से। काशी कॉरिडोर्स ने भी बनारस के लोगों की बदली है लाइफ? बिल्कुल बदली है, बिल्कुल बदली है। किस तरह से आपको लग रहा है? पहले आपको कितना टाइम लगता था मंदिर में विजिट करने में, और अब कितना लगता है? अभी तो कॉरिडोर इतना अच्छा बना लिया है, आश्चर्य लग रहा है कि वही जगह है कि नहीं है। यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता है, मंदिर देखते हैं तब यकीन होता है, हाँ जगह तो वही है। सराउंडिंग कितना अच्छा हो गया, अयोध्या को देख कर जो लगा, अयोध्या भी बदलाव लगी आपको? अयोध्या अभी चेंज होना बाकी है, अयोध्या 5 साल के बाद वो अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी, न जाने क्या हो जाएगा। तो अभी पूरा बनारस में भी बदलाव आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बदलाव है, पहले से तो बहुत चेंजिंग आई है। कहाँ से आप लोग? एमपी से। फर्स्ट टाइम विजिट टू काशी? नहीं नहीं, यहाँ पे हम स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट है जी। तो बदलाव लग रहा है काशी में? बदलाव हाँ समझ में तो आ रहा है, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका, भीड़ भाड़ा। कितने आ गए टूरिस्ट? टूरिस्ट तो हमेशा ही रहते हैं, सोचते हैं इस सीजन में टूरिस्ट रहेंगे, बट अभी भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कॉरिडोर जब से बन गया है, यहाँ की लाइफ कितनी बदल गई है लोगों की? लाइफ तो काफी बदल गई है, वैसे टूरिज्म तो पहले से रहा है यहाँ पे, और अभी और ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा जो मेन शहर में लोग हैं, उन लोग के लिए लाइफ काफी डिफिकल्ट हो गई है, टूरिस्टों का फुटफॉल ज्यादा हो गया काफी। हाँ। तो उन लोग का डेली ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत होती है। मैं भी डेली का हूँ, मैं वाराणसी का ही हूँ। अच्छा। तो मुझे काफी दिक्कत होती है कम्यूटिंग में शहर में, तो काफी लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं शहर के। लग रहा है ऐसा? आप ओनर हैं चाट के? जी जी। बहुत ज्यादा भीड़ है, ऐसा क्या मसाले मिला रहे हैं आप चाट में, पहले तो ये बताइए। जी, हमारे यहाँ का टमाटर चाट थोड़ा सा स्पेशल है। अच्छा। जो कि 65 ईयर से चलता आ रहा है, हमारे दादाजी के समय से। अच्छा, ये पुश्तैनी है? जी जी, हम लोग थर्ड जनरेशन। ये काशी कॉरिडोर्स ने आपके बिजनेस को कितना बदला है? एटलीस्ट 3 times कर दिया चेंज, आफ्टर 2014 काफी बदलाव आ चुका है। टूरिस्ट हमारे यहाँ ट्रिपल हो चुके हैं, मतलब बनारस में। और आमदनी भी बढ़ी है? आमदनी इंक्रीज, इनकम? बिल्कुल, टूरिस्ट बढ़ेंगे तो आमदनी तो बढ़ेगी, आमदनी बढ़ रही तो हम अगर हम कमा रहे तो हम खर्च भी करेंगे, तो बनारस का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 10 साल में पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें से एक है आवास योजना। इस योजना के तहत शहरी इलाकों में 2 लाख रुपए में गरीबों को घर मिलता है। वाराणसी में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के बीच में पहुंचा इंडिया न्यूज, देखिए आवास यानी कि घर पाने वाले गरीबों ने पीएम के लिए क्या कहा। मंत्री, आवास आप प्राप्त की है, इसके बारे में जानकारी कैसे हुआ? सर, मतलब मंत्री जी के गलियारे पर गए, वहाँ पर एक योजना सुने, यहाँ पर आए, जा करके डूडा में अपन फार्म भरे, प्रधान जी हमने के आवास दिए, हमने के कच्चा का मकान रहल, चुवत रहल, रात भर सुतन न जान जा, फिर ओकरे बाद में उन देहलन अंकल जी, तो आवास बनल हमने के, यही में अपन हमने के उजाला मिलल, हमने के लाइट मिलल, हमने के रास्ता मिलल, पानी मिलल, हमी लोग के सर बहुत कुछ अंकल जी दिए। अच्छा, ये घर आपको कब मिला, कितना समय लगे बनने में, और खाते में कितना पैसा आया? सर 2.5 लाख रुपया आया, पहला में 50 आया, फिर उसके बाद में 1 लाख आयल,
फिर उकरे बाद में 1 लाख आल फिर सर मतलब कि हमी लोग के मोदी अंकल पैसा दी है हमी लोग के बहुत अच्छा उकार किए। आवास से पहले आप लोग कहाँ रहते थे, मकान कैसा था? सर यही में रहे, जहाँ पर हैं वही पर रहे, कच्चा मकान रहल, चुअत रहल, रहे के ठेकान ना रहल, यही में अपन मुंजामी मुंजामा छा के रहन जा, छा के अपने में रहन जा, अंकल जी हमन लेके देलन, हमन लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है, तई तो खुश नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के बारे में जानकारी आपको कैसे हुई थी? नरेंद्र मोदी जब चुनाव में आए, सरकार बने, उसके बाद प्रचार होने लगा कि आवास मिलेगा आवास मिलेगा, तो हम लोग भी फॉर्म भरे, आवास मिली भी और लिए भी, हम लोग मकान बनाए हैं और सुरक्षित हैं। अच्छा, पहले मकान कैसा था? कच्चा था, कच्चा था, खाबड़ खुबड़ था, रोड रास्ता भी बनवा दिए, मतलब कि आदमी सुरक्षित हो गया है अपने वजह से, मोदी की वजह से। कितना समय लगा इस आवास को प्राप्त करने में, कितना पैसा आपके खाते में आया? आया था 2.5 लाख, उसमें से कुछ माला इधर उधर हुआ और बाकी हमारे खाते, पैसा तो पूरा हमारे खाते में आया। अच्छा। और भाई जो दौड़ेगा धूपेगा तो ठीक है। ये कह रहा था कि पहले आवास कैसा था और समस्याएं क्या क्या होती थी? पहले का आवास जो बना था वो आवास मतलब कि आधा से ढेर ही बालू था, सिलमिट बहुत कम था, जैसे ऐसे हाथ मारो तो झरझर झर रहा था, और गली कुची बनाए हुए थे, मकान भी ठीक से नहीं बनाए थे, मतलब ठेकेदार अपने हिसाब से बनाया था। और यह है तो पैसा खाते में हम लोग के हाथ में आया, हम लोग अपने हिसाब से बनाए हैं, जैसे हम लोग के बनाना चाहिए। अच्छा। वो ढंग से अपने हिसाब से। जब से आप इस मकान में रहने लगी, मकान बन गया, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? जी यही है कि सुरक्षित हैं, शांति से हैं, अपने हिसाब से बना लिए हैं। और उस मकान में बहुत दिक्कत होती थी, इसमें अपना शौचालय है, उसमें तो इसी में शौचालय दिया था, उसी में रूम दिया था, इसलिए उस आवास से बहुत अंतर है यदि परिकर, क्योंकि ये अपनी मर्जी से करना था, इसलिए बहुत सुरक्षित हम लोग हैं। पानी भी दे दिए हैं हम लोग के नर निगम। अच्छा। हम लोग के घर में पानी भी, योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं का लाभ इनको मिल चुका है वो बता रही हैं, तो आवास इनका बन चुका है, ये भी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। बड़ा मौका है, पीएम मोदी थोड़ी ही देर बाद वाराणसी पहुंचने वाले हैं। इंडिया न्यूज ने भी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर भेजी हुई है और इसीलिए ग्राउंड जीरो से आम लोगों के रिएक्शंस आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप जान पाएं।